Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 58th पार्ट पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं बारबिट्यूरेट्स के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. यहां पर हम साइन एंड सिम्टम्स के साथ साथ इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस रहती है, फेटल डोज, फेटल पीरियड और जो इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले जो हमने बारबिट्यूरेट्स के बारे में बात करी थी, तो वहाँ पर हमने बारबिट्यूरेट्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, बेसिकली जो इसका क्लासिफिकेशन होता है और जो इसके यूजेस हैं और जो इसके बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था. उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इसके सिम्टम्स के बारे में जानने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपके बारबिट्यूरेट्स होते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें जो कुछ आपके डिफरेंट से रहते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर पहला तो है आपका गिडीनेस. गिडीनेस का मतलब रहता है आपका एक तरह से जो थोड़ा सा नाउजिया की कंडीशन रहती है और जो आपका हल्का सा लेजीनेस सा रहता है, तो वो चीज़ होती है गिडीनेस. नेक्स्ट है आपका अटैक्सिया. तो अटैक्सिया का मतलब होता है इम्पेयर्ड बैलेंस हो जाता है या फिर इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की मसल्स होती हैं, नर्व मसल्स होती हैं, वो आपकी डैमेज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपका इम्पेयर्ड बैलेंस देखने को मिलता है आपकी बॉडी में, तो वो आपका अटैक्सिया कहलाता है. तो ये आपका बारबिट्यूरेट का ही एक सिम्टम होता है. उसके अलावा नेक्स्ट है आपका वर्टिगो. सो वर्टिगो का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो आपका जो सर चकराने लगता है या फिर जो आपके हेड में जो एक तरह का सेंसेशन रहता है मूवमेंट का, तो वो जो आपका सेंसेशन लगता है आपका, वो आपका वर्टिगो कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लर्ड स्पीच. देन आई फर्स्ट कंस्ट्रिक्टेड, जो आपकी आईज़ होती हैं वो पहले कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसके बाद में वो डायलेट होने लगती हैं, तो ये भी आपका एक सिम्टम होता है बारबिट्यूरेट का. उसके अलावा नेक्स्ट है आपका टैकीकार्डिया. जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसमें पहले तो आपका टैकीकार्डिया देखने को मिलता है. टैकीकार्डिया का मतलब होता है जो आपकी हार्ट बीट होती है वो अचानक से बहुत इंक्रीज़ कर जाती है, उसके बाद में जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो फॉल होने लगता है, जिसकी वजह से आपका सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है. ठीक है, क्योंकि जब अचानक से इतने सारे चेंजेस होंगे, पहले तो नॉर्मल कंडीशन से आपकी हार्ट बीट बहुत इंक्रीज़ कर गई, इंक्रीज़ करने के बाद में अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, तो इसकी वजह से सर्कुलेटरी डैमेज होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है. उसके अलावा नेक्स्ट है आपका, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं चाइन स्ट्रोक्स. सो ये जो चाइन स्ट्रोक्स होते हैं, इसका मतलब होता है जो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो नॉर्मल ना होना, मतलब कि जो एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है. अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो आपकी पहले तो जो रेस्पिरेशन था वो बहुत ही आपका डीपर हो गया, मतलब कि बहुत धीरे धीरे आपका बहुत स्लो हो गया, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो फास्ट हो गया, और इस तरह से आपका ग्रेजुअल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखने को मिलता रहता है. तो ये जो आपका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है, इसी को हम अबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हम बताते हैं चाइनीज स्ट्रोक से. अगर एक लाइन में इसको बताना हो तो इसके लिए ये टर्म दिया गया है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है कि कई बार इसमें जो स्टार्टिंग होता है पैटर्न में चेंज होने का, वो स्लो होने के बाद फास्ट होता है, फास्ट होने के बाद स्लो होता है. कई बार आपका पहले फास्ट होगा, देन स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, इस तरह से होता है. उसके अलावा यहाँ पर जो ब्रीदिंग होती है ग्रेजुअली डिक्रीज़ होने लगती है. पहले आपका जो पैटर्न होगा वो एबनॉर्मल होगा, फिर ग्रेजुअली जो भी आपकी ब्रीदिंग रहती है वो नॉर्मल से बिल्कुल डिक्रीज़ होने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे होते होते आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो कम्प्लीटली आपके कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली स्टॉप हो जाती है. और जब आपकी ब्रीदिंग टेम्परेरीली स्टॉप हो जाती है, तो वो जो कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं एपनिया का, मतलब नो ब्रीदिंग. जो आपकी ब्रीदिंग टेम्परेरीली स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एपनिया. एपनिया का मतलब होता है नो ब्रीदिंग. ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो एपनिया क्या होता है, नेक्स्ट चाइनीज स्ट्रोक्स क्या होता है, क्या पैटर्न इसमें देखने को मिलता है, उसके अलावा ये टैकीकार्डिया भी आपको पता होना चाहिए, और नेक्स्ट आपका अटैक्सिया. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट से टर्म्स थे, इनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ये आपके बारबिट्यूरेट्स के साइन एंड सिम्टम्स में इंक्लूडेड होते हैं. अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो वो केस आपका बारबिट्यूरेट से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा हम आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट है आपका, इसी में कुछ और भी पॉइंट्स हैं,
सो यहाँ पर आपका ओलिगोयूरिया की भी कंडीशन देखने को मिलती है। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है जो यूरिन का एक्सक्रीशन होता है वो नॉर्मल कंडीशन से बहुत कम हो जाता है, तो वो आपका ओलिगोयूरिया कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो यूरिया होता है उसमें एल्ब्यूमिन और शुगर भी अवेलेबल होने लगता है, मतलब जो आपका यूरिन का एक्सट्रैक्शन होता है तो उसमें जो यूरिया अवेलेबल होता है तो यूरिया के साथ साथ एल्ब्यूमिन एंड शुगर का भी एक्सक्रीशन होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो बॉडी रहती है तो आपकी बॉडी सरफेस पर बार्बिट्यूरेट्स ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी जो साइट ऑफ फ्रिक्शन होती है जहाँ पर आपके प्रेशर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में क्लेफ्ट होते हैं, एक्सेला होता है, इनर एस्पेक्ट्स ऑफ नीज एंड काफ्स होते हैं, तो वो जगह पर आपका बेसिकली जहाँ पर फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम बात करें ये आपका लेग है तो ये अगर आपका नी का आगे का फ्रंट साइड है तो ये जो आपकी बैक साइड होती है इस जगह पर, तो इस जगह पर आपका बार्बिट्यूरेट ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो आपके बाकी के भी आपके बॉडी के इनर एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आपका फ्रिक्शन अवेलेबल होता है, अब जैसे कि ये आपके हैंड्स की बात करें तो ये आपके शोल्डर है, तो शोल्डर के नीचे जो आपके अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पर भी आपके जो फ्रिक्शन वाली सरफेस होती है वहाँ पर आपके बार्बिट्यूरेट ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सा एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो पॉइजनिंग का केस है वो आपके बार्बिट्यूरेट की पॉइजनिंग का केस होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। उसके अलावा इस कंडीशन में यानी कि बार्बिट्यूरेट का जो केस होता है यहाँ पर जो आपकी डेथ देखने को मिलती है जनरली कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको याद करने वाली नहीं है, बस जो मैंने आपको पहली स्लाइड में जितने बताए वो बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है बार्बिट्यूरेट ब्लिस्टर्स वाला, और साथ में यहाँ पर जो डेथ होती है वो कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होता है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अब जो हम बात करेंगे इसमें जो क्रॉनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली जब आप बार्बिट्यूरेट को बहुत लॉन्ग टाइम से खा रहे होते हैं, उसका इंटेक कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे उसका एडिक्शन होने लगता है। तो जब उसका एडिक्शन होता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो डिपेंडेंसी रहती है, जो एडिक्शन होता है वो आपका फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है। तो अब अगर किसी के कंडीशन में ऐसा है, किसी की किसी को क्रॉनिक पॉइजनिंग हुई है एडिक्शन की वजह से, तो वहाँ पर जो आपके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वो ये वाले रहते हैं जो आपके सामने इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला तो होता है एपैथी। एपैथी का मतलब रहता है कि किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचता है, सारा इंटरेस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न भी नहीं बचता है, तो वो आपका एपैथी कहलाता है। एपैथी का मतलब होता है नो फीलिंग्स, किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग्स का ना होना, वो आपका एपैथी होता है। तो ये चीज़ आपकी क्रॉनिक पॉइजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट हो जाता है लॉस ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो आपकी कंसंट्रेशन की पावर होती है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म होने लगती है, तो ये भी आपका क्रॉनिक पॉइजनिंग की एक तरह का साइन एंड सिम्टम ही है बार्बिट्यूरेट की। नेक्स्ट होता है आपका सोमनोलेंस। सोमनोलेंस का मतलब होता है स्लीपीनेस या फिर ड्राउसीनेस, जो स्लीपीनेस या फिर जो ड्राउसीनेस वाली कंडीशन होती है उसी को हम बोलते हैं सोमनोलेंस। नेक्स्ट है आपका वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है सडन इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिनिंग सेंसेशन, जो आपके हेड में सडन अचानक से इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिनिंग का सेंसेशन होने लगता है, यानी कि जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं वो चीज़ होती है, तो वो आपका इंग्लिश में वर्टिगो बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ट्रेमर्स। ट्रेमर्स जो है आपकी हैंडराइटिंग का भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जो बेसिकली एक इनवॉलेंटरी शेकिंग होती है, जो कि जनरली आपकी जो ओल्ड एज के कैंडिडेट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जब आप कोई राइटिंग को किसी फियर की कंडीशन में लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी शेकिंग या फिर इनवॉलेंटरी मूवमेंट। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी जब बार्बिट्यूरेट की क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैसे देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनमें आपका इनवॉलेंट्री शेकिंग या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं। तो ट्रेमर का सिंपल सा मीनिंग ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये चीज़ जिस चीज़ से लिंक हो जाएगी उस चीज़ में वही चीज़ आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, जब इसको हम डॉक्यूमेंट्स के टर्म में समझेंगे तो वो आपका हैंडराइटिंग में आपका इफेक्ट डालेगा, जब आपको ये किसी चीज़ की पॉइजनिंग या फिर आपकी बॉडी से रिलेटेड देखना पड़ेगा तो उस कंडीशन में ये आपकी बॉडी में शेकीनेस होगी, तो वो चीज़ आपकी ट्रिमर्स कहलाती है।
इसके अलावा डिलीरियम एंड हेलुसिनेशन, जो आपकी भ्रम की कंडीशन होती है वो आपकी डिलीरियम और हेलुसिनेशन कहलाता है, तो वो भी आपकी क्रॉनिक पॉइजनिंग का ही, बार्बिट्यूरेट की क्रॉनिक पॉइजनिंग के ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो टर्म्स के मीनिंग मैंने लिखे हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो हो गया यहाँ तक, और बाकी जो ट्रिमर्स है ये आई थिंक आपके नेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से रिलेट करके पूछा गया था, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ जितने भी आपके टर्म्स के मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम बात कर लेते हैं इनकी फेटल डोज और फेटल पीरियड के बारे में। सो बेसिकली जो आपके बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो बेसिकली चार कैटेगरीज के रहते हैं, जिसमें आपका पहला जो लॉन्ग एक्टिंग है उसका जो फेटल डोज रहती है वो 3 to 4 grams होती है, मीडियम एक्टिंग की 2 to 3 grams होती है, शॉर्ट एक्टिंग की 1 to 2 grams होती है, और इसके बाद में आता है आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जिसको हम इमीडिएट एक्टिंग भी कहते हैं, तो उसकी जो डोज रहती है वो 1 gram से कम रहती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें फेटल पीरियड की, तो इनका ऑन एन एवरेज जो फेटल पीरियड रहता है वो आपका 24 to 48 hours के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फेटल डोज याद करना इम्पॉर्टेंट है, बाकी फेटल पीरियड उतना कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद रख लेंगे तो आपके लिए ही एक बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया, और अभी हम आगे मूव करते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर कोई किसी की बॉडी में बार्बिट्यूरेट की पॉइजनिंग है और बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में जो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सो बेसिकली जो गैस्ट्रिक लैवेज होता है वो कैरी आउट किया जाता है वार्म वाटर से, यानी कि उसको वार्म वाटर से वॉश किया जाता है, उसके बाद में उसमें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का आपको इंटेक कराया जाता है, और सस्पेंशन जिसका होता है, मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होगा उसके साथ साथ में जो एनिमल चारकोल का सस्पेंशन होता है, ये दोनों ही चीज़ों का इंटेक कराया जाता है। उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, उसको भी आपकी बॉडी में इंटेक कराया जाता है, ताकि जो स्टमक में बार्बिट्यूरेट की वजह से परजेशन हो रहा होता है, जो आपके इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज़ हो रहा होता है, उसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो सर्कुलेटरी डिप्रेशन हो रहा होता है और जो शॉक वाली कंडीशन हो रही होती है बार्बिट्यूरेट की वजह से, तो उसको रोकने के लिए इंट्रावेनस डोज दी जाती है, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में जो आपकी वेन्स होती हैं उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है 2.5 mg ऑफ मेटारेमिनॉल, और ये बेसिकली 20 मिनट्स के इंटरवल पे आपको दिया जाता है, जब तक कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 100 mmHg तक ना पहुँच जाए। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपकी बार्बिट्यूरेट की वजह से सर्कुलेटरी जो डिप्रेशन हो रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए 2.5 mg ऑफ मेटारेमिनॉल 20 मिनट्स के इंटरवल पर दिया जाता है, जब तक कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg यानी कि नॉर्मल कंडीशन तक ना पहुंच जाए तब तक। ठीक है, उसके अलावा अगर कोमा की कंडीशन बहुत देर तक हो चुकी है, तो उस कंडीशन में एम्फिटामिन सल्फेट की 10 mg की डोज दी जाती है एवरी हाफ एन आवर एंड मे बी गिवन टिल ऑब्वियस इम्प्रूवमेंट अकर्स। सो अगर कोमा की बहुत देर तक की कंडीशन हो गई, बहुत टाइम से कोमा की कंडीशन चल रही है, तो उस कंडीशन में एम्फिटामिन सल्फेट की आप 10 mg देंगे, और वो हर आधे घंटे पर देंगे, या फिर जब तक कि जो भी इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तब तक आपको हाफ हाफ आवर पर जो डोज है वो आपको देती रहनी होगी 10 mg तक एम्फिटामिन सल्फेट की। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका प्रोफिलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंटीबायोटिक्स का, वो भी ज़रूरी होता है, ताकि जो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जो आपकी रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होती, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही होती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो आपकी एंटीबायोटिक यूज़ करी जाती है वो रहती है आपकी प्रोफिलैक्टिक। ठीक है, तो ये जितने भी मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से बार्बिट्यूरेट के जो आपके एंटीडोट्स होते हैं उनकी तरह से यूज़ करा जाता है। बाकी यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये प्रोफिलैक्टिक होता है ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, और इसका किस पर्पज से यूज़ करा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जो मेटारेमिनॉल है इसका यूज़, और जो एम्फिटामिन सल्फेट है इसका यूज़, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इतना भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस की। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जो आपके एक्सटर्नल साइंस होते हैं,
एक्सटर्नल साइन का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के बाहर की सरफेस पर जितने भी चेंजेस दिख रहे होते हैं वो। तो आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनमें साइनोसिस देखने को मिलता है, एस्फिक्सिया के साइंस देखने को मिलते हैं, जो आपका माउथ और नॉस्ट्रल्स होते हैं वहाँ पर आपको फ्रोथ देखने को मिलता है। उसके अलावा जो आपकी स्किन होती है वहाँ पर आपको बार्बिट्यूरेट ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अभी हमने इससे पहले जब साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे वहाँ पर समझा था इसी वीडियो में। तो यहाँ पर जो आपके बार्बिट्यूरेट ब्लिस्टर्स होते हैं इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लूअस लेसेंस, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बार्बिट्यूरेट ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं और बार्बिट्यूरेट ब्लिस्टर्स को और क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों ही नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक दूसरे से लिंक करके याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अभी हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपके हैं इंटरनल साइंस। इंटरनल साइंस का मतलब होता है जो भी चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं तो वो आपके इंटरनल साइंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है जीआई ट्रैक्ट, तो जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है उसमें आपको कंजेशन देखने को मिलता है, जो आपका सेरेब्रल और जो पल्मोनरी पार्ट होता है वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओडेमा। उसके अलावा जो आपकी लिवर और किडनी होती है वहाँ पर आपको कंजेशन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो गई। तो अब जहाँ जहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे तो वो बॉडी का पार्ट का कुछ हिस्सा आपको पैक करके भेजना होगा ताकि उसकी प्रॉपर एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो बेसिकली जो पोस्टमार्टम अपीयरेंसेज होते हैं, ये अगर जो भी आपकी जो भी बॉडी है, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी विक्टिम है, उसकी अगर डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया पोस्टमार्टम अपीयरेंस के बारे में। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस की। तो मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस में तो यही चीज़ है कि सुसाइडल पर्पज है या फिर एक्सीडेंटली लिया जा सकता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये। तो बेसिकली जो आपका सोडियम पेंटोथल, आपने नाम सुना होगा, सोडियम पेंटोथल जो रहता है वो आपका नार्को एनालिसिस की कंडीशन जब रहती है, जब नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है उस टाइम पर जिस भी इंडिविजुअल पे टेस्ट किया जा रहा होता है तो उसकी बॉडी में सोडियम पेंटोथल का इंजेक्ट किया जाता है। सोडियम पेंटोथल जो रहता है एक तरह से इसको ट्रुथ सीरम कहते हैं। तो जो आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट रहता है उसमें जब ये डोज दी जाती है तो ये डोज हर एक इंडिविजुअल की बॉडी पर डिपेंड करती है कि उसकी बॉडी किस तरह की है, कोई डिजीज़ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही वो पर्टिकुलर डोज आपकी दी जाती है उस इंडिविजुअल को। और उस डोज को देते टाइम पर ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उतनी ही डोज दी जाए जितनी डोज तक वो इंडिविजुअल कैरी कर पाए उस डोज को, और वो आपका जो कुछ भी उससे पूछा जाए वो सच सच जवाब दे पाए। इतना नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी डोज अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो उस कंडीशन में वो जिस भी इंडिविजुअल पर आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने नार्को एनालिसिस टेस्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा था, पूरा टेस्ट को हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली सर्च करेंगे यूट्यूब पर नार्को एनालिसिस बाय सेवी फोरेंसिक्स, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और वो आराम से देख लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर होता क्या है कि जो सोडियम पेंटोथल होता है ये एक तरह का बार्बिट्यूरेट ही होता है। तो यहाँ पर अगर आपका जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है वो अगर आपका लीदल हो जाता है, लीदल इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ विच सोडियम पेंटोथल इज़ द चीफ इन्ग्रीडियंट, जहाँ पर जो आपका सोडियम पेंटोथल यानी कि जो ट्रुथ सीरम होता है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम पेंटोथल होता है। तो अगर उसका इंजेक्शन जो उसकी डोज है वो लीदल हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका जुडिशियल एग्जीक्यूशन होता है। और यहाँ पर सोडियम पेंटोथल के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। सो अदर इंग्रेडिएंट्स बीइंग सेलाइन, पैविलोन जिसको हम मसल रिलैक्सेंट कहते हैं, मसल रिलैक्सेंट जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, तो वो सारे के सारे जो भी रहते हैं वो आपके पैविलोन कहलाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो आपकी डोज अगर ज़्यादा हो गई है, भले ही वो किसी डॉक्टर से क्यों ना हो, क्योंकि जो आपकी डोज दी जाती है वो बेसिकली एक तरह के फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर ही होते हैं, तो उनसे ही गलती भी क्यों ना हुई हो तो उस कंडीशन में भी आपका जो जुडिशियल पनिशमेंट रहती है वो मिलती है। तो यही चीज़ है मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस में कि जो आपका सोडियम पेंटोथल की डोज एक्स्ट्रा हो जाने पर भी, बेसिकली ये सोडियम पेंटोथल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इस तरह से, और बहुत सारे बार्बिट्यूरेट्स रहते हैं जिनका मेडिकल यूज़ अलग अलग तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बार्बिट्यूरेट्स आपके पॉइजनस पर्पज से ही यूज़ करें, सिर्फ ड्रग्स ही होते हैं, ये बेसिकली ड्रग्स होते हैं लेकिन इनका
इसको अगर लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो वो आपका मेडिसिन कहलाता है। इसी चीज़ को अगर आप कम अमाउंट या एक्स्ट्रा कर लेंगे तो वो आपका पॉइजन कहलाता है। तो यही बेसिकली पॉइजन की एक मेन आपकी डेफिनेशन होती है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपका सुसाइडल और एक्सीडेंटल पर्पज से तो आपका इसका मेडिकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता ही है, ठीक है। तो आपको ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आपका बार्बिट्यूरेट्स का एक पार्ट और बचा है, जहाँ पर हम बार्बिट्यूरेट का एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में कौन से कलर टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट के नाम होते हैं, डेलिकोपियाइटिस बहुत फेमस टेस्ट है इसके लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टेस्ट के बारे में यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये वाला टॉपिक यहाँ पर अभी एंड करते हैं। PDF के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप ब्लॉगर पर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेंगे। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज एंड इंस्टा पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।